हेलो दोस्तों, आज मैं आपको ARR का एग्जॉस्ट फैन है, इसे किस तरह से रिवाइंडिंग किया जाता है वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आपको इसका बेसिक इंफॉर्मेशन देता हूँ कि इसका जो ये साइज है, ये जो इनर डाई है बाहर की वो 105 mm है, और अंदर का जो ये यहाँ से यहाँ तक का जो कोर है वो 55 mm है, और इसकी जो जाडाई है अंदर की स्टेटर की जाडाई वो 57 mm है। देखो यहाँ से स्टेटर है, इतने यहाँ तक स्टेटर है, तो इसकी जाडाई है और 57 mm की जाडाई है। देखो मैंने PVC पंप पेपर भी इस पर कंप्लीट करके रखा है, तो चलो मैं आपको इसको किस तरह से रिवाइंडिंग किया जाएगा वो मैं आपको दिखाता हूँ। देखो दोस्तों, इसका RPM 1400 RPM है, और इसका एम्पियर है 1.80 एम्पियर है, और 230 वोल्ट पे चलता है AC सप्लाई पे। दोस्तों आप मेरे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। चलो तो मैं आपको इसे रिवाइंडिंग करके दिखाता हूँ। देखो दोस्तों, एक कोइल हमने कंप्लीट कर लिया है, कॉपर वायर है 27 नंबर का, और इसमें हमने 70 टर्न लगाया है। तो चलो मैं आपको कोइल दिखाता हूँ कि किस तरह से आपको कोइल को डालना है। देखो इस तरह से आपको पहले कोइल को डाल देना है, और कोई भी एक स्लॉट में आपको पहले डाल देना है। देखो कोइल को कोई भी एक स्लॉट में डालने के बाद आपको ऐसा एक ग्रीन पेपर का टुकड़ा लेना है, और एक जिस स्लॉट में हमने कोइल को डाला है उस पर लगा देना है। देखो ऐसे बाद में हमें दो स्लॉट बीच में खाली रख कर इस तार को 1 से 7 के बीच में डालना है। देखो ऐसे, फिर से आपको ऐसा ग्रीन पेपर लगा देना है। देखो इस तरह से आपको इस कोइल को डालना है 1 से 7 के पीस में। बाद में देखो पीछे की साइड से मैं आपको दिखाता हूँ। देखो इस तरह से आपको कोइल को घुमाना है। देखो मैं आपको पूरा दिखाता हूँ। देखो आपको इस तरह से कोइल को घुमाना है, और हमने जो पहली कोइल डाली है उसका जो ये बाजू का स्लॉट है इसमें आपको डालना है। देखो ये बाजू वाला स्लॉट है, इसमें आपको इस कोइल को डालना है। देखो इस साइड भी आपको ऐसे ही डालना है, ये जो बाजू वाला स्लॉट है इसमें। देखो इस तरह से आपको कोइल को डालना है। अब हमें फिर से इस तरह से कोइल को टर्न लगाना है, और जिस स्लॉट में हमने कोइल डाली है फिर से वही स्लॉट में डाल देना है। देखो ऐसे मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। देखो इस तरह से अब इसमें, और हमने जो कोइल डाली है उसके ऊपर फिर से डाल देना है। तो चलो मैं पूरा डाल लेता हूँ, बाद में आपको दिखाता हूँ। देखो दोस्तों, इस फैन में मैंने एक कोइल कंप्लीट करके डाल दिया है, और इसका डेटा भी निकाल लिया है। देखो इसकी कोइल की लंबाई है वो भी परफेक्ट लंबाई आई है। तो चलो मैं आपको इसके डेटा के बारे में बताता हूँ। सबसे पहले आपको 27 नंबर का कॉपर का वायर लेना है, और कॉपर का वायर लेके आपको
एक कोयल बनाना है। कोयल की लंबाई है 75 सेंटीमीटर की कोयल की लंबाई रखनी है और इस कोयल में आपको 70 टन देना है। बाद में आपको 1 से 4 के पीस में 1 राउंड लगाना है और 1 से 6 के पीस में 2 राउंड लगाना है। ऐसी आपको टोटल 4 कोयल बनानी है और 4 कोयल बनाकर आपको रनिंग वाइंडिंग है वो कंप्लीट करना है। रनिंग वाइंडिंग में टोटल 4 कोयल आएगी और इसका स्टार्टिंग वाइंडिंग है उसमें आपको 28 नंबर का कॉपर का वायर लेना है और इसमें आपको कोयल की लंबाई है 73 सेंटीमीटर की रखना है। इससे 1 सेंटीमीटर कम कर देना है और इसमें आपको टन की संख्या है और 90 टन रखना है यानी कि। तो दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं ऐसा ही वीडियो मेरे चैनल पर लाता रहता हूँ। देखो दोस्तों ये पूरा फैन है वो रिवाइंडिंग होके कंप्लीट हो गया है। मैंने किस तरह से रिवाइंडिंग किया है वो देखना है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं कि इस फैन को किस तरह से रिवाइंडिंग किया गया है।